पुत्र हटाते नहीं। अमित जी साहब, अब मैं ये नहीं कहूंगा। दोस्तों, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। शुएब अख्तर के करीबी रिश्तेदार फौजी सज्जाद खान ने इस पर अमल करते हुए इमरान खान के लिए जेल पहुंचकर अपनी आखिरी वीडियो बनाते हुए बड़ी मिसाल कायम कर दी। बहादुर फौजी जवान सज्जाद खान का पाकिस्तानी कौम के नाम आखिरी वीडियो पैगाम आपको दिखाने से पहले ये भी बता दें कि दोस्तों, शुएब अख्तर की तरह बहादुर रिश्तेदार फौजी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ब्रिगेडियर ही जनरल से ऊपर हो गया, ब्रिगेडियर ही आर्मी चीफ से ऊपर हो गया, कोई इंसाफ देने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले दिन आने मर के ये बता दिया कि हमारे माशरे में इंसाफ है ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या चाहते हैं कि हम भी इंडियन आर्मी की तरह खुदकुशी करना शुरू कर दें? पाकिस्तान की खबर भी आई कि पाकिस्तान के आर्मी के एक सोल्जर ने खुदकुशी कर ली। अब ये चाहते हैं आर्मी की बदनामी हो, पाकिस्तान आर्मी की बदनामी हो? मैं तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, क्या करूं। मेहरबानी है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें कि आप खुफिया एजेंसी के जरिए मुझे एक G3 की गोली अरसाल कर दे, मेहरबानी होगी आपकी। आर्मी चीफ जनरल खुदा बना बैठा है कि मेरी आखिरी वीडियो होगी। आर्मी चीफ साहब, आप इमरान खान को जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो रोज बरोज उतना ही मजबूत होता जाएगा। आज तक जबर और मासूम पीटीआई कारकुनान के साथ जुल्म से किसी भी जमात को खत्म नहीं किया जा सका। इमरान खान अभी तक ना टूटा है और ना ही मुस्तकबिल में टूटेगा। जितना भी आप उस पे जुल्म कर लें, उसको दबाने की कोशिश कर लें, वो रोज बरोज उतना ही मजबूत होता जाएगा। मुझे यकीन है के मुल्क और मुसलमानों की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हैं। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।